सैमसंग जो कि बहुत बड़ी टेक की कंपनी है, पर शायद आप लोग नहीं जानते, सैमसंग ने शुरुआत किराने की दुकान से किया था। इतना ही नहीं, सैमसंग टैंक जेट और शिप्स भी बनाता है। 10 अनन फैक्ट्स अबाउट सैमसंग। सैमसंग की शुरुआत 1938 में हुई थी। शुरुआत में सैमसंग ग्रोसरी स्टोर्स में नूडल्स बेचता था, मछलियां बेचता था और कई सारी चीजें बेचता था। उस वक्त सैमसंग ने कई सारी चीजें की थी, जैसे सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, रिटेल, टेक्सटाइल में, और साथ ही सैमसंग ने 3 फील्ड्स में काफी बड़ी कंपनियों को एक्वायर कर लिया था, जो कि उस वक्त की बेहद बड़ी बात थी। अब बात करते हैं सैमसंग टेक में कैसे है। सैमसंग टेक में कोरियन वॉर के दौरान आया था। वॉर के बाद कंट्री के डेवलप होने के साथ ही सैमसंग अपनी कंपनी भी डेवलप कर रहा था। उसने 1969 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट निकाला था, जो कि 12 इंच का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। कई सारी बड़ी कंपनी एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट अपना फ्रंट स्टाइल यूज करते थे, वहां सैमसंग का भी अपना फ्रंट स्टाइल सैमसंग वन था। सैमसंग शुरुआत से ही विजनरी और रिस्क टेकिंग कंपनी रहा है, लेकिन सैमसंग कंपनी में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था 1995 में। सैमसंग के चेयरमैन ने $15 मिलियन के प्रोडक्ट्स को उन्हीं के एम्प्लॉयज के सामने डिस्ट्रॉय कर दिया था, और वहां से सैमसंग दो मेन चीजों पर फोकस करने लगा, वो था क्वालिटी एंड इनोवेशन। इसके बाद सैमसंग इतना बड़ा ब्रांड बन गया था कि वो 2013 में एप्पल को टक्कर दे रहा था। सैमसंग अपनी कंपनी के साथ दूसरे बड़ी कंपनियों जैसे एप्पल, गूगल, वीवो, ओप्पो और कई सारी ब्रांड्स के लिए डिस्प्ले बनाता है। आईफोन में जो डिस्प्ले लगे होते हैं वो सैमसंग बनाता है, जो कि टॉप नॉच डिस्प्ले होते हैं। इसके साथ ही सैमसंग प्रोसेसर और रैम भी बनाता है तथा उन्हें सप्लाई भी करता है। आजकल ज्यादातर लोग स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, पर क्या आपको पता है वर्ल्ड का पहला स्मार्ट वॉच किसने बनाया था? तो सैमसंग ने वर्ल्ड का पहला स्मार्ट वॉच बनाया था, जिसका नाम सैमसंग SPHWP10 है, जिसमें एक डिजिटल LCD डिस्प्ले था और 90 मिनट्स का कॉलिंग फीचर। इसके कुछ साल पहले 1996 में सैमसंग ने वर्ल्ड का फर्स्ट CDMA मोबाइल भी लॉन्च किया था, जिसका नाम सैमसंग स्टंच SCH100 है। एंड्रॉइड तो सभी को पता होगा, पर क्या आप जानते हैं एंड्रॉइड भी सैमसंग के पास आया था, पर सैमसंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर गूगल ने एंड्रॉइड को एक्वायर कर लिया, फिर तो आप देख ही सकते हैं सैमसंग के फोन में भी एंड्रॉइड है। शायद आप नहीं जानते होंगे, सैमसंग ने वर्ल्ड के सबसे बड़े ऑडियो कंपनी को भी एक्वायर किया हुआ है। JBL के पैरेंट कंपनी हार्मन, उसको सैमसंग ने 2017 में खरीद लिया था। सैमसंग टेक को लेकर इतना सीरियस है कि उसने न्यूयॉर्क में एक बिल्डिंग एक्वायर कर रखी है, जिसका नाम है सैमसंग 837, जो लिटरली एक एडवेंचर पार्क है और जिसमें एक बहुत ही बड़ा थिएटर है। इस थिएटर में 96.55 इंच का डिस्प्ले है। बुर्ज खलीफा के बारे में आप तो जानते होंगे, जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, पर क्या आपको पता है बुर्ज खलीफा को किसने बनवाया? तो वह सैमसंग कंपनी है। इसके साथ ही पेट्रोन ट्विन टावर टापाई 101, इन बिल्डिंग को भी सैमसंग ने ही बनवाया है। सैमसंग की खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, जिसका नाम सैमसंग CNT है। सैमसंग कॉन्टेक्ट डिवीजन के साथ साथ डिफेंस डिवीजन में भी है, जिसमें सैमसंग ने जेट प्लेन बनाया है, जिसका नाम KF-60 है, और उसके साथ साथ टैंक भी बनाई है, जिसका नाम K-9 थंडर है। 2019 में सैमसंग ने इंजीनियर डिवीजन में कदम रखा था और सैमसंग ने दुनिया की सबसे बड़ी शिप भी बना डाली। और अगर 2022 की बात करें तो सैमसंग टेक के साथ इंश्योरेंस, मिलिट्री, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड हेल्थ केयर के सेक्टर में भी है।